सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। तुसी थंबनेल च भी देख लिया ते इत्थे भी अपना क्लीयर आ कि ये वीडियो बकायदा सीनियर असिस्टेंट जो नगर पंचायतां एंड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ते मुंसिपल कौंसल्स दा जो पेपर जेड़ा कि नोटिफाई हो रहा है उहदे नाल संबंधित आ। वैसे देखो वीडियो दे विच ना असी ये जरूर मैं एक्सप्लेन करन दी कोशिश करूँगा, स्पेशली ये इस करके क्योंकि देखो मैनू बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एफर्ट कर रहे हैं कि शायद सिलेबस जल्दी दस दिया करो, बट ऑबवियस जी गल आ सिलेबस आउंदे आउंदे कई बार बहुत डिले हो जाता है तो बच्चे तैयारी खुणों रह जाते हैं। तो ना इस समय के दौरान एक बड़ी विच ना माहौल जिहा बनूगा कि जी ये पेपर का सिलेबस आ हो सकता है आ हो सकता है। सो मेरी एक कोशिश आ कि जो एक्सपैक्टेड सिलेबस के मुताबिक जेड़े स्टूडेंट्स किते भी इनरोल्ड नहीं किसी अकैडमी नाल इनरोल्ड नहीं वो बिल्कुल सैल्फ स्टडी ते निर्भर ने, एटलीस्ट उन्होंने एक्सपैक्टेड सिलेबस केड़ा तैयार करना चाहिए है ते इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है, ठीक है वो मैं जरूर डिस्कस करूँगा। तो ऑबवियस जी गल आ वीडियो के लास्ट वाले हिस्से च मैं अपने कोर्स वगैरह बारे दसूँगा, पर उस तो पहला साफ तो स्पष्ट कि की इहदा सिलेबस। देखो ये जिहड़ा लोकल बॉडीज़ का पंजाब का ये एडवरटाइजमेंट नंबर 6 आ, ठीक है, जेडी के 345 पोस्टा जेईज वगैरह तो सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर। असल च ये पेपर ना 2015 आया सी ते आके कैंसल हो गया सी, फिर ये पेपर दोबारा रीनोटिफाई तो नहीं होया, रीकंडक्ट करवा के थापर नू दिता गया, पर उदों भी कुछ विवाद करके इस पेपर नू लिया नहीं गया। ये 2018 की गल आ, ये पेपर लमक गया ना उन्हां बच्चियां दीआं फीसां मुड़ियां ते इस पेपर च गड़बड़ी नू आधार मन के पेपर कैंसल कर दिता गया सी। उदों कल्लियां इहदे च जेई दीआं पोस्टां नहीं सी, जेई सिविल एस डी ओ एई होर बहुत कुछ सीगा, बहुत कुछ सी इहदे च, एग्जैक्टिव ऑफिसरस दा भी एक पोस्ट सीगी, लॉ ऑफिसरस दी भी एक पोस्ट सी। सो वो सारिया ही पोस्टा हुण दुबारा फिर स्टैप बाय स्टैप करके आउणगियां ते खैर उहनां चों एक हिस्सा इन्हां ने रिलीज़ करता है। देखो जदों 2015 आया सी ये पेपर उस टाइम इहदा सिलेबस उदों ये पेपर पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ ने लैणा सी, शायद वो आही पेपर सी जिहदे घट घपले करके पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ नूं ब्लैकलिस्ट करता सी पंजाब च, ते उस तों बाद उहनूं एक भी पेपर पंजाब दा नहीं दित्ता पंजाब सरकार ने। खैर आपां इन्हां चक्करां च नहीं पैणा, तां ए आ जेई सिविल, जेई सिविल ओ एंड एम सीनियर सहायक कम इंस्पैक्टर। असल च जदों ये पेपर उदों आया सी उदों भी सीनियर असिस्टेंट दे बाकी महकमे च पेपर हुंदे हुंदे सीगे, उदों टाइपिंग भी हुंदी सी सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट टाइपिंग घटाचदी आ रही है 2012-13 तो आ ही रही है, पर उस टाइम जदों सीनियर असिस्टेंट दे पेपर च टाइपिंग आउंदी हुंदी सी पर इस पेपर च सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर दे पेपर च उदों टाइपिंग नहीं सी आई, बिकॉज ये पोस्ट सीनियर असिस्टेंट की एडिशनल आ, मेन इंस्पैक्शन का काम ही हुंदा है इस लैवल ते इंस्पैक्टर का। सो इत्थे उस वेले टाइपिंग नहीं सी मंगी गई, सो इस बार मे बी टाइपिंग मंगी जाए पर उहदे चांस बहुत घट ने, 50-50 ने। सो ये पेपर बहुत जाणिआं वास्ते अली होगा ते पी ट्रिपल एस बी पेपर कंडक्ट करा रहा पंजाब सरकार की नवी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्योंकि ये एडवरटाइजमेंट नंबर 6 जो आ ये सिर्फ ते सिर्फ ग्रुप बी वालिआं दी आ, ठीक आ। खैर ए पेपर दे विच जदों उदों पेपर आया सी उदों 10 नंबर की इंग्लिश, 5 की इंग्लिश, 5 की पंजाबी, 15 की जीके, रीजनिंग 15 की, 10 का कंप्यूटर, तो कहिंदे सी 50 नंबर का तुहाडा जॉब नाल रिलेटड आऊगा। तो वह 50 नंबर का जॉब नाल रिलेटड उदों की आया सी सीनियर असिस्टेंट वास्ते, हिस्टरी एंड कल्चर ऑफ पंजाब आया सी, पोलीटिकल इकोनमी ऑफ पंजाब आया सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया सी 10 नंबर का, 5 नंबर का बेसिक टैक्स कैलकुलेशन आई सी, तो 10 नंबर का आया सी RTI एक्ट, पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट, पंजाब मुंसीपल इलैक्शन रूल्स ते इलैक्शन रिलेटड नॉलेज, तो 5 नंबर की आई सी नोटिंग ड्राफ्टिंग, तो 10 नंबर का आया सी मुंसीपल एक्ट 11, मुंसीपैलिटी एक्ट 76 ते मुंसीपैलिटी अकाउंट कोड 30। जिहड़े 2015 जिन्हां ने पेपर भरिया होगा वो चंगी तरह जानते हैं कि इहदी बहुत स्पैशल तैयारी की सी, तो ऑबवियस जी गल उदों मैं भी बहुत स्पैशल तैयारी करवाई सी इस पेपर की। खैर जे कोई मैनू कहे कि सर असी गूगल पर सर्च किया इहदा सिलेबस ते आ लभिया तो असी इहदे हिसाब नाल तैयारी करन लग पे, अज दे जमाने अज दे टाइम च मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों नू इस मुताबक तैयारी बिल्कुल ना करियो, यही सिलेबस रिपीट होगा इहदे 5% तो भी घट चांस आ।
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਏ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਏ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਬੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਲਰਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ PSSB ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ PPSC ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ PSSB ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ। PSSB ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਕਰ ਉਹੀ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ 3500-400 ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GK 1 ਲਾਈਨਰ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ 1 ਲਾਈਨਰ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਲਾਈਨਰ ਹੋਵੇ, ਬਟ 1 ਲਾਈਨਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਿਨ ASI ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਿੰਪਲ ਆਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਗਾਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ 2016 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੀ GK ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਥ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਪੇਪਰ PPSC ਤੋਂ PSSB ਵੱਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 150 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ, 200 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ PSSB ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ PPSC ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਜੇ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜੇ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਤਾਂ 8, 9, 10 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PPSC ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ PSSB ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ PPSC ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ PSSB ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ ਆਹੀ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਹਜੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਚੱਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਪਰਚਮ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੱਕੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਐਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
जे यूट्यूब ते लगातार फॉलो कर रहे हो तो मैं भी 1 जुलाई तो पहला तो मैं डेली करंट अफेयरस करा रहा सी, फिर बच्चों की डिमांड से वीकली कराए, वीक च बस वीडियो वड्डी हो जाती है पर अगला कहिंदा जी 1 वीक ते कवर हुंदे आ, सो मैं वीकली करंट अफेयरस कवर करते अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। तुसी किसी भी प्लेटफॉर्म से जे मेरे पढ़ाई नहीं चंगे किसी के भी चंगे होणगे उन्हूं जुलाई तो शुरू कर दो, करंट ते कमांड रखो। यूट्यूब पर मैं ही एक वीडियो का होर सैशन शुरू किया स्टैटिक जीके, जिद मैं स्टैटिक जीके दुनिया नू, सारे बच्चों ये दसना कि दुनिया कैमें देखी दी है, मैप ते केड़े देश कित्थे आ, ऑर्गनाइजेशन फैक्ट वगैरह। स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट एक वक्रा फोल्डर बनया होया है, तुसी उत्थों स्टैटिक जीके सारिया वीडियोज़ यूट्यूब पर आनगियाँ। इस तो बिना एक गल होर, जीके नू तुसी एक एक सबजैक्ट करके पढ़ना होना, हाँ एक एक सबजैक्ट की पूरी डिटेल करके ना फिर उस सबजैक्ट के किसी भी किताब चों 500 तो लैके 1000 तक MCQs करने हैं तो वो तुहाडे निकलने चाहिए है। कई बच्चे कहिंदे सर तुसी कोई बुक रिकमेंड की सी असी उहदे सारे MCQs कर ले फिर भी पेपर नहीं होया, झूठ बोलते वो बच्चे, अद्धा सच दसदे आ। की दसदे आ? तुसी उहदे सवालों नू रट्टा मारिया सी, तुसी ये थोड़ा सी कि करके देखे सी ते तुहाडे निकले सी, नहीं तुसी रट्टा मारिया सी, रट्टा फिर भुल गया। सो जिहड़ी भी अकैडमी च पढ़ते हो जां सैल्फ स्टडी करते हो किते भी करते हो तुहाडा सबजैक्ट इन्ना वधिया तैयार होवे कि किसी भी चाहे घटना चक्कर आ चाहे किसी भी ब्रांड की MCQs की किताब आ P SSSB के लैवल में कवर करती होवे, उस किताब के 1000 चो 800 सवाल तुहाडे खुद निकलने चाहिए आ, समझ लो कि तुहाडे पेपर की तैयारी होगी। तुसी की करदे हो पेपर के नेड़े अकैडमिया के मॉक टैसट खरीद दो, मॉक टैसटां तो भी कदी तैयारी हुंदी है, तैयारी हुंदी आ थ्यूरी तो, ते थ्यूरी तो बाद उस सबजैक्ट के सारे MCQs नू कवर करके। थ्यूरी तो बिना MCQs 0 ने, MCQs कल जिहड़े आ वो जे थ्यूरी भी उन्नी क पढ़ी होगी जां पढ़ाउण वाला उन्नी क पढ़ाऊगा तां भी फस जांदे हो। फिर ये तैयारी तुहाडी पक्की होनी चाहीदी आ मैथ्स की, मैथ्स की तैयारी क्यों होनी चाहिए है क्योंकि मैथ पेपर च विंगा टेढ़ा आ जाता है, पटवारी च सौखा जा पा के एक्साइज अगले औखा पा देंगे, उत्थे तुसी कह देंगे साढ़े ट्रिक चलते नहीं। मैथ पूरा थ्योरैटिकली सॉल्व करो, तुसी मेरी वीडियो के थले जां थोड़ी जी थले देखो मैं एक वीडियो पढ़ाई है इंस्टॉलमेंट की, बच्चे देखो मैं कदे भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो ते कोई कमेंट आओ शेयर करो, इस करके क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहना कि संजीदगी नाल तैयारी करने वाले जिहड़े बच्चे अपनी तैयारी नूं लैके सीरीयस आ, जिहड़ी नौकरी लैना चाहुंदे आ, मैनूं पता हुंदा कि सिंपल कंपाउंड इंट्रस्ट च बच्चे इंस्टॉलमेंट्स वाले सवालों नूं छड्ड दिंदे आ जां अकैडमी वालिया कोल नहीं पढ़ाए जाते, औखा जिहा टॉपिक दे के मैं पढ़ाता तुहानूं। तो जे तुहानूं वीडियो चंगी लगती है तुसीं उहदे फार्म उहनूं कंसैप्ट नूं नोट कर लो, हर एक सबजैक्ट का औखा तो सौखा पहलू करके जाओ, यही नहीं कि मैथ चाह चीज़ औखी कर लगती है तो छड़ दो, नहीं पेपर चो तंग कर रही है। सो सिर्फ यही नहीं कि यूट्यूब पर किसी नूं ला लिया वो सौखे सौखे मैथ के सवाल करा रहा करी गए, पेपर भी शीशे के तौर पर देखो, एक्साइज के पेपर तो घट्टो घट बराबर का ज उस तो औखा ही पेपर आऊगा ग्रुप बी का P SSSB का, आ सिलेबस नहीं आता आ जिहड़ा सिलेबस ये पाया हुआ रेयरेस्ट चांस आ, घट्टो घट तैयारी उस पैटर्न तो शुरू कर दो जिहड़ा पैटर्न मैं तुहानूं दस चुके हैं। जे 19-21 हुंदी होई ये भी करवा देणगे तुहानूं, अकैडमिया वालियां दे नोट्स जिहड़े आ यूट्यूब ते PDF च टैलीग्रामां दे रूप च तुहाडे कोल पहुँच जाणगे, अदरवाइज़ इन्नी श्योरिटी आ कि जे सिलेबस आ गया तो जिहड़ी चीज़ ये एक्सट्रा है उहदियां सारियां PDF असीं प्रोवाइड करवा देंगे, पर अजे इहदा कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं इहदा। फिर गल रह गई इंग्लिश पंजाबी कंप्यूटर की, अज के जमाने ये सबजैक्ट बहुत इंपोर्टेंट आ, कंप्यूटर वास्ते ज़्यादा संजीदगी मैं ता नहीं कहता, एक तो कंप्यूटर P SSSB कंप्यूटर के लैवल मामले अजे तक उपर उठी नहीं, ठीक है, इस करके कंप्यूटर हजे भी उत्थे ही खड़िया सारा सिस्टम। इंग्लिश पंजाबी तुसी बहुत वधिया तैयार करके जानी है, जिहड़े इंस्टीट्यूट कोर्स जिहड़े स्टूडेंट्स कोर्स इनरोल्ड भी ने उन्होंने भी मैं कहना हुन्ना कि एक पासे साड़ी इंग्लिश ते पंजाबी ते जिवें लगातार वीडियोज़ साड़ियां अपलोड हो रही हैं अजे ना करियो, जदों एक वारी पूरा हो गया असी यस कर दांगे तुसी पूरे का पूरा सबजैक्ट पंजाबी का कवर कर लियो, क्योंकि आपां नूं सब नूं पता है कि जे 12 तो 13 नंबर की पंजाबी आनी है तो हुण उह किरिया की आक्रमक सक्रमक तक तो रहे नहीं, जिन्नी डिटेल चो जा रहे घट्टो घट BA दे पद्धर की व्याकरण करके जानी है, इस पद्धर की ही व्याकरण कोर्स दे विच असी ऐड की है, उस लैवल की ही असी इंग्लिश भी ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों भी सलाह है
बहुत टीचर ने इंग्लिश पंजाबी पढ़ाने वाले कितों भी पढ़ो पर वधिया लैवल दी इंग्लिश ते पंजाबी तैयार करो ठीक है। खैर ये स्ट्रैटेजी सीगी। हाँ बहुत बच्चे साढ़े नाल जिहड़े जुड़ना चाहुंदे आ जां जिहड़े जिन्हां नूं लगता है कि सर असीं तुहाडा कंटेंट देखिया मैराथनस दे रूप दे विच जां वैसे वक्खरे वक्खरे टॉपिक्स तुहाडे पढ़ाए देखे आ तां उह साढ़े नाल जुड़ना चाहुंदे आ तां एंड्रॉयड ते ना उह इस लोगो वाली ऐप डाउनलोड कर लैण। आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ते आ कोड ठीक है। साडा नंबर आ 8054400797 इत्थे कॉल कर लैण। अदरवाइज़ एक नंबर हैगा 7707800072 वो थले दिस भी रहा होगा नंबर। जेडे बच्चे P SSS दे विजिलेंस सीनियर सहायक लैवल की तैयारी करना चाहते हैं आ कोर्स साडा उन्हां वास्ते बेस्ट आ। इस कोर्स दे विच असी वीडियोज़ प्री रिकॉर्डड की कंटेंट की क्वालिटी तुसी देखी आ बहुत बच्चों ने लाइव प्री रिकॉर्डड प्लस हार्ड कॉपीज़ प्लस मैराथनस इस करके रिविजन वास्ते प्लस मल्टीपल क्वेश्चंस वास्ते PDFs ता कि हर सब्जेक्ट दे घट्टो घट हज़ार सवाल ते हर सब्जेक्ट दा सब्जेक्ट खत्म होण तो बाद टेस्ट। ए कोर्स उन्हां बच्चियां वास्ते आ जिहड़े PCS प्री तक की तैयारी कवर करना चाहते आ P SSS तो लैके P SSS तो लैके PCS प्री जिहड़े सब्जेक्ट दोवां कोर्सां च कॉमन ने वह तो कॉमन ही ने उस तो बिना इस कोर्स च काफ़ी सब्जेक्ट अड ने। उदाहरण के तौर पर फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्टरी पोलीटिकल थिंकरस पोलीटिकल थ्यूरी ठीक है। ये कुछ कम्यूनीकेशन स्किल्स ये वो सबजैक्ट ने जोड़े इस कोर्स के एक्सकलूसिवली ने तो ये नहीं गए बस इन्ना इन्ना कोर्स की फीस के फर्क आ। सो मेरी ये आ कि स्ट्रैटेजी दसनी मेरी जिम्मेवारी सी। आ दो नंबर ने जिन्हें तो तुम कॉल कर सकते हो वट्सएप कर सकते हो कॉल कर सकते हो। आ साड़ी ऐप बारे दसिया तुसीं इंग्लिश पंजाबी मीडियम च साडे पढ़ाउण दा तरीका देख चुके हो ते हमेशा मैं कहना हुन्ना तरीका देखण तो बाद तुहाडी ऑप्शन आ तुसीं सानूं स्वीकार भी कर सकते हो खारज भी कर सकते हो। तुसीं P SSS वास्ते सानूं चुनना चाहुंदे हो PCS प्री तक दे पेपरां वास्ते जां ISPCS पंजाबी मीडियम वास्ते मास्टर क्लासेस पटियाला दे यूट्यूब चैनल दे प्लेलिस्ट च जाओ हर प्रकार दी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो उम्मीद करदा कि तुहानू उत्थे साडा सारा कंटेंट वधिया लगूगा। अज लई इन्ना ही बहुत आ। धन्नवाद।